आंटी को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए मैं ढेर सारा पैसे इकट्ठा किया था, पता है? आंटी तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होगी और हम लोगों को अच्छी अच्छी खाना खिलाएगी। ये भी कहने की बात है। सुने हो लूची, पूछी आंटी को गिफ्ट देगा। सुना हूँ गिफ्ट तो जरूर देगा, पर वो गिफ्ट नहीं है। मतलब? आंटी के लिए जो गिफ्ट लाया हूँ इस टेबल पर रख देता हूँ। इसी को कहते हैं दिमाग। मैं अपने डब्बे को यहाँ रखता हूँ और पूछी के डब्बे को लेके जाता हूँ। मजा आएगा। हेलो, सुन रहे हो? मजे के दृश्य देखने के लिए तुम जन्मदिन में जरूर उपस्थित रहना, ठीक है? जल्दी आ जाना टाइम पे। आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी, मेरे तरफ से ये गिफ्ट स्वीकार कीजिए। लीजिए आंटी, लीजिए, ये मेरा गिफ्ट लीजिए। क्या है, दिखाओ क्या है? अरे तुम देख रहे हो, वो बैग तो हम लोग खरीदे थे आंटी के लिए, लेकिन वो लूसी और उसी के पास कैसे गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अचंभव की बात है। तो गिफ्ट तो बहुत सुंदर है लूसी, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, बीच बीच में तुम लोग अच्छे काम भी करते हो। लूसी दिखाओ तुम क्या लेके आए हो मेरे लिए। आंटी ए लीजिए। कहाँ है, दिखाओ। ये क्या, तुम लोग मेरे साथ मजाक किए हो? रुको अभी बताते हैं तुम्हें। देख लिया तो, इसी को कहते हैं ओलंपिक का दौड़। उस लूसी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो बक्से बदलना ही भूल जाएगा। हाँ दौड़ रहा था मस्त ना। जिसे कहते हैं गधों की दौड़। सुनो ना टीप, उस दिन आंटी के जन्मदिन में ना मैं कुछ नहीं दे पाया। अच्छा सोच रहा हूँ इस बैग को देख के लूसी और तुमको हरा दूंगा। इस बैग को ना तुम संभाल के रखना ताकि किसी को पता ना चले। इस बार उन लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं इस बैग को पलंग के नीचे छुपा के रखूंगा। तुम सुन रहे हैं ना, वो लोग गिफ्ट को पलंग के नीचे छुपा के रखेंगे ताकि हम लोगों को पता ना चले। उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इसको भी चुरा लेंगे। पूछी आपको खाली डब्बा देके दुखी कर दिया था ना, इसीलिए मैं आपके लिए एक अच्छा अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। लीजिए आंटी जी, लीजिए। ऐसा क्या, तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग रुको, मैं गिफ्ट खोलने से पहले पूछी और डिक को बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ तुम लोग कितने अच्छे हो गए हो। पूछी और डिक आओ इधर।
उसी देखो कितना अच्छा हो गया है, तुम लोग उसे देखकर कुछ सीखो, तुम दोनों। हाँ बदतमीज कहीं के, ये तुम लोग गिफ्ट लेके आए हो, मेरा नाक तोड़ के रख दिए। तुम लोगों का उपहार ऐसा है, रुको मैं अभी तुम लोगों का नाक फोड़ती हूँ, रुको। अभी बताती हूँ। आंटी आंटी छोड़ दीजिए आंटी, हम नहीं करेंगे गलती। आंटी आंटी मत मारिए। छोड़ दूंगी, पर तुम लोगों का नाक पहले फोड़ दूं तब जरूर छोड़ दूंगी। रुक रुक। बड़ा मजा आया। इसी को कहते हैं बक्से की रहस्य।